नमस्ते, मैं अंजू। मैं अपने इस नए चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देसी स्टाइल में समोसे बनाना सिखाऊंगी, जो यूपी बिहार में बहुत फेमस है और ये बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी। ये खाने में बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटी होती है। तो फिर आइए, हम मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैदा लेती हूँ, पहले इसे चाल लेती हूँ। और ये मीठी सोडा इसी में डाल के चालते हैं। इसमें अजवाइन और कलौंजी का मैश करके डालेंगे कि खुशबू आएगी। नमक स्वाद अनुसार, फिर मैश करते हैं और फिर घी डालते हैं। घी डालने से क्रिस्पी बनती है समोसे। पहले थोड़ा घी डालेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। इसे दोनों हाथ से मैश करते हैं ताकि कोई भी उल्टी ना रहे इसमें और घी पूरे मैदे में मिल जाए। ऐसे मुट्ठी भर करने पे बन जाता हो तो सोचो कि मोइन तैयार है, अच्छा है। अगर आप चाहो तो और डाल सकते हो। तो और डाल देती हूँ। तैयार है। अब ठंडा पानी से इसे टाइट गूंदूंगी। ये आटा गूंदने की स्टाइल में ही नहीं गूंदते, इसको इस भाग से गूंदते हैं मैदे को। जरूरत के अनुसार ही पानी डालना। देखिए कितनी टाइट मैदा गूंदा हुआ है। इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो आइए मैं आपको समोसे के आलू में क्या क्या सामग्री पड़ती है वो बताती हूँ। पहले ये प्याज है, जो 3 से 4 प्याज मैं बारीक काट ली हूँ। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है जो मैं बारीक काट ली हूँ। ये धनिया पत्ता है और ये पानी है। ये मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है, ये आमचूर है और ये तड़के डालने के सामान है। जीरा, हींग, राई, अजवाइन, काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट मसाला और ये आलू। तो आइए अब हम तैयार करते हैं। अब हम समोसे का मसाला तैयार करते हैं। इसमें 4 स्पून रिफाइंड, आप स्पून से कर सकते हो और मैं बस अपने अंदाज से डाल लेती हूँ। थोड़ा तेल गर्म होने दो। अब इसमें जीरा,
अजवाइन, काला सरसों, हींग, मसाला भुन जाता है, जब जीरा ये सब ऐसे चटकने लगे तो सोचो कि तैयार हो रहा है। तीन चम्मच भर के तैयार। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका कलर चेंज होने तक हमें भूनना है। अब इसका कलर चेंज हो गया हल्का सा, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हल्का कलर चेंज चाहिए। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हम बारीक काट के तैयार किए थे वो डालते हैं। वो आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखी खाना है तो ज़्यादा डाल दो, दो चम्मच डाल दो। मैं तो भर के तीन चम्मच डाल दूँ कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अब इसे ही थोड़ा भून लेंगे। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी भून गई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू को ऐसे ही मैश करेंगे। वैसे आलू के मसाले में ज़्यादा मसाला नहीं डालते, नहीं तो टेस्ट खराब होता है। हल्का मसाले में ही टेस्टी बनता है। अब आलू हमारे भून गए हैं, देखो ये चिपक रहा है, इससे पता चलता है कि आलू भून गए और तेल भी। अब आलू भून गए हैं तो इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, सादा नमक और थोड़ा काला नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। पहले मैं डालती हूँ गरम मसाला, हाफ स्पून। अब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, मैं डालूंगी मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ कि बेटी को मेरा चटपटा पसंद है। अब डालूंगी मैं धनिया पाउडर। ये सब आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं, आलू क्वांटिटी देखते हुए। और ये आमचूर, ये सारे मसाले मैं मिक्स कर दूंगी। आलू के समोसे में ज़्यादा मसाला नहीं डालते। देखिए मेरे आलू बिल्कुल भून के तैयार हैं और सूखा मसाला होने के कारण ये भी जल्दी भुना जाता है। हाफ स्पून चाट मसाला, ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालती हूँ। धनिया पत्ता आपकी मर्जी है, बारीक काट लो, जैसे मर्जी वैसे काट लो, पक्का हो जाना ही। और ये हमारा तैयार मसाला तैयार। क्या खुशबू है।
आधे घंटे रेस्ट करने के बाद इसे फिर हम थोड़ी और गूंद लेंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट और। अब ये सॉफ्ट हो गया। अब इसकी हम पेड़े बना लेते हैं। मेरे बच्चों को छोटे समोसियाँ पसंद है, समोसे नहीं समोसियाँ, तो मैं छोटा ही पेड़े काटती हूँ। आपके ऊपर है, आप बड़ा भी ले सकते हो। मैं ऐसे गोल गोल इसके पेड़े बना लूंगी। कोई बात नहीं, पूरी गोले गोला नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, वो बेलने में सही हो जाएगा। अब हम चकले पे थोड़ा तेल लगाएंगे। अरे ये एक एक पेड़े लेके इसको बेलेंगे रोटी की तरह, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब इसे ऐसे काट के रख लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे का पेड़े का भी रोटी बेल के अभी मैं बस इतने ही बेल के काट ली हूँ। अब मैं इसको भरूंगी, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। और ये आधा मेरी बेटी चट कर गई है। आप देख रहे हैं आलू के मसाले पहले से कम हो गया है, मेरी बेटी खा चुकी है। वो तो छीन के मैं रखी हूँ ताकि दिखा तो सकूँ। मैं अब समोसे भरना सिखाती हूँ। पहले एक ले लो और फिर पानी लगा लो इसके सारे चारों तरफ, फिर यूँ अंगूठे की मदद से इसको फोल्ड कर लो। इसके मुँह को बंद करो और यूँ एक कोन बना लो। अब इसमें आप 1 चम्मच आलू डालो, थोड़ा और आलू आ जाएगा इसमें। इसे दबा लो अच्छे से और ये पानी लगने के कारण इसके किनारे पे तो ये चिपक जाएगा। और इसके मुंह को फिर से हम बंद कर देंगे और ये हो गया हमारा समोसा। जब तक मैं समोसे तैयार कर रही हूँ तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ कि ताकि हमारा तेल भी गर्म रहे। और ये मीडियम आंच पे। अब हमें फिर से, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ कि कैसे भरना है। पानी लेके इसके सारे तरफ लगा लो, फिर इसको यूँ फोल्ड करो, ये दबाओ और ऐसे कोना बना लो। फिर इसमें 1 चम्मच आलू, जितना आ सके उतना आपके ऊपर डाल लो और फिर इसे बंद करो। ये पानी के कारण फटाफट बंद हो जाएगा। और इसके मुंह को सीधा करके फिर आप रख लो, हो गया तैयार। अब ये हमारे समोसे तैयार हैं। ये साइड के समोसे हैं, वो मेरी बेटी एयर फ्राई में करके खाएगी और मैं इसे डीप फ्राई करती हूँ। तो आइए देखते हैं।
मैं लोहे की कढ़ाई में ही फ्राई करती हूँ। अब तेल गर्म है या नहीं है ये देखने के लिए मैं ये छोटी छोटी दो पेड़े डालूँगी। तेल हमारा गर्म है और मेरा गैस सिम। अब धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे समोसे। आँच बिल्कुल सिम पे होना चाहिए। जब तक समोसे बन रहे हैं मैं चटनी तैयार करती हूँ। ये चटनी की तैयारी कर रही हूँ। ये मिर्च जो मैं 10 मिनट पहले भिगो के रख दी थी, आप चाहो तो इसका बीज निकाल सकते हो। मेरी बेटी को तीखा पसंद है इसलिए मैं बीज नहीं निकालती। ये टमाटर, लहसुन, अदरक, अब मैं इसमें नमक डालूँगी। अब मैं इसका पेस्ट तैयार करती हूँ। हमारी चटनी भी तैयार हो गई और समोसे भी तैयार हो गए। बस इसे थोड़ा तेज आंच पे थोड़ा और लाल कर लेते हैं। अब हमारे समोसे तैयार हैं। मैं इसे एक प्लेट में निकालती हूँ। कलर भी कितने प्यारे आए हैं। अब मैं ये समोसे बचे हुए एयर फ्राई में डाल रही हूँ। मेरी बेटी को तली हुई नहीं, एयर फ्राई का ही समोसे उसे पसंद है, तो आप जैसी मर्जी बना के खा सकते हो। ये हमारी समोसे की चटनी रेडी। और ये है मटर समोसा जो कि मम्मी ने अपने लिए बनाया है। इसकी रेसिपी आएगी इस चैनल पे बहुत ही जल्दी। इसकी फिलिंग पूरी मटर की है एंड मम्मी के हिसाब से ये बहुत टेस्टी होता है। मैं मटर खाती नहीं सो आई कांट से, बट ये आलू वाले समोसे बहुत टेस्टी हैं। मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, so I recommend it to you all and look forward to these matar samosa recipes।